दोस्तों, आज ही 4 नए कोर्सेज के स्पॉट रजिस्ट्रेशन का रिजल्ट आए हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके स्पॉट रजिस्ट्रेशन के रिजल्ट आए हैं। जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डीएलएड और बीएड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी लिस्ट बनके तैयार है और उनका भी लिस्ट 1-2 दिन में आने वाला है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस वाले, डीएलएड वाले यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले या बीएड वाले, इनका भी तीनों कोर्सेज का लिस्ट बनके तैयार है और हाल ही में पब्लिश होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही एक लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। बहुत लोगों का डाउट है कि सब्सक्राइब करने से पैसा लगता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि सब्सक्राइब करने के लिए कोई फीस नहीं है। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और जामिया और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको एडमिशन से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड न्यूज़ फ्री में मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि 4 नए कोर्सेज का रिजल्ट आए हैं। पहला कोर्स आप देख सकते हैं बीएससी का, और आगे 3 और कोर्सेज हैं। आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तो आपको पता चलेगा 3 और कौन से कोर्सेज हैं जिनका स्पॉट रजिस्ट्रेशन का रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले देखते हैं बीएससी का। बीएससी का जो एडमिशन होगा वो 29 और 30 तारीख को होगा, यानी बीएससी में जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका 29 अगस्त और 30 अगस्त को एडमिशन होगा। इनको जाना होगा डीन फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज के पास, यानी डीन साहब के ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहां जाके ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट करना पड़ेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा और फीस भी जमा करना होगा। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज बीएससी का रिजल्ट आ गया, इसमें अच्छे खासे लड़कों का लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, जो भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो नेक्स्ट लिस्ट आने वाली है दोस्तों बीएससी का, वो 31 अगस्त के आसपास टेंटेटिव डेट इन्होंने दिया है। तो आप 31 अगस्त या 1-2 सितंबर तक इंतज़ार करें, अगला लिस्ट भी आपके पास पहुंच जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक मैं रिजल्ट फ्री में पहुंचाता रहूंगा। सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ। कट ऑफ गई है बीएससी का, आप देख सकते हैं जनरल का गया 24.5 और मुस्लिम कैटेगरी का जो कट ऑफ गया वो 23.00 और मुस्लिम ओबीसी और एसटी का जो कट ऑफ गया है वो 21.00 और मुस्लिम वीमेन का जो कट ऑफ गया है वो 21.00 और जामिया इंटरनल का जो कट ऑफ गया है वो 22.50 और जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी का गया है 15.25 यानी 15.25। तो ये था दोस्तों बीएससी का कट ऑफ, यानी 25 के आसपास आप समझ लीजिएगा कट ऑफ गया है। और फटाफट मैं बताता हूँ कि कौन से लकी कैंडिडेट्स हैं जिनको इन लिस्ट में नाम आया है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है वो इंतज़ार करें, अगले लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। ये फोर्थ लिस्ट है। बहुत लोग पहले लिस्ट में नाम नहीं आया था तो निराश हो गए थे, देखिए उनके लिए दूसरी लिस्ट आई, तीसरी आई, चौथी आ गई और पांचवी भी आएगी। और भी मैं कोर्सेज का रिजल्ट मैं फटाफट 3 और कोर्सेज के बताता हूँ, मेरे चैनल पर बने रहिए। आप देख सकते हैं बीएससी कोर्स में जनरल कैंडिडेट्स आसपास 15 जनरल कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, यानी जनरल कैटेगरी में बीएससी कोर्स में 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और बीएससी में मुस्लिम कैटेगरी के 11 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं मुस्लिम कैटेगरी के। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है मुस्लिम ओबीसी और एसटी का, इसमें 4 कैंडिडेट्स बीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। मुस्लिम वीमेन में 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं बीएससी में और जामिया इंटरनल कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और बीएससी में ही जेएनके कैटेगरी का 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। फटाफट मैं अगले ग्रेजुएशन का मैं लिस्ट बताता हूं कि किन कोर्सेज का रिजल्ट आया है। ये था बीएससी का। आगे देखिए बीए ऑनर्स इंग्लिश का। बीए ऑनर्स इंग्लिश का भी एडमिशन होगा 29 अगस्त और 30 अगस्त को। आपको जाना होगा जामिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ जाना पड़ेगा फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में डीन साहब के पास। और फटाफट ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, फीस लेके जाइएगा और जाके फटाफट जामिया में एडमिशन ले लीजिएगा। अगर 29 को टाइम है तो 29 को जाइए, अगर 29 को टाइम नहीं है तो 30 को आप पहुंच के एडमिशन ले लीजिए बीए ऑनर्स इंग्लिश में। ये स्पॉट रजिस्ट्रेशन का रिजल्ट है। फटाफट नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी वो 31 अगस्त को आएगी, यानी 31 अगस्त को आने की उम्मीद है अगली लिस्ट बीए ऑनर्स इंग्लिश का।
और बीए ऑनर्स इंग्लिश का जो जनरल का कट ऑफ गया हुआ 53.25, यानी इंग्लिश का कट ऑफ ज़्यादा तेज़ है, बीएससी से भी अच्छा कट ऑफ गया है 53.25 जनरल में, मुस्लिम कैटेगरी में 53.25 में। ये है दोस्तों बीए ऑनर्स इंग्लिश का कट ऑफ। अब देखते हैं कौन से लकी कैंडिडेट है जो इसमें जगह बनाए हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश में जनरल के कैंडिडेट्स हैं 8 जिनका इस लिस्ट में नाम आया है, और जो मुस्लिम कैटेगरी के हैं वो सिर्फ एक कैंडिडेट ने अपना जगह बनाई है। यानी आप समझ लीजिए 8, 1, 9 कैंडिडेट्स बीए ऑनर्स इंग्लिश में, आप देख सकते हैं ये चौथी लिस्ट में, इसमें जगह बनाई है, पांचवी में आपका जगह बन सकता है। ये था बीए ऑनर्स इंग्लिश का। अब मैं नेक्स्ट कोर्स का फटाफट बताता हूँ कि नेक्स्ट कोर्स का रिजल्ट किस कोर्स का है। आप देख सकते हैं मैंने अभी बीए ऑनर्स इंग्लिश का बता दिया, बीएससी का बता दिया। अब ये है बीए ऑनर्स हिस्ट्री। बीए ऑनर्स हिस्ट्री भी बेस्ड ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, और इसका भी एडमिशन होगा 29 अगस्त और 30 अगस्त को। इनको जाना होगा फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में, डीन साहब के ऑफिस में, और इतने जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस लिस्ट में हैं उनको एक एक करके पढ़ के जाना होगा और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको नहीं बन पाता है तो जामिया में जाएंगे, वहाँ पर ओखला हेड है, बटला हाउस है, और जुलेना है, जहाँ पर एफिडेविट बनते हैं। ऑलरेडी फॉर्मेट बना होता है, नोटरी से अप्रूव करा के आपको फॉर्मेट बना कर दे देते हैं। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, एफिडेविट का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोकली जामिया में जाके उसी दिन बनवा के एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ आपको मॉर्निंग में जाना होगा क्योंकि 1 बजे तक ही एडमिशन होगा, शाम में एडमिशन नहीं होगा। और बीए ऑनर्स जो हिस्ट्री है इसका जो नेक्स्ट लिस्ट है 31 अगस्त के आने के उम्मीद है। 31 अगस्त लिखा है तो 1, 2, 3 सितंबर भी हो सकता है, तो आप घबराए नहीं, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, पीछे तो नहीं आगे ही होता है ज़्यादातर। तो आप देखिए कि कट ऑफ कितना गया है बीए ऑनर्स हिस्ट्री में, जनरल में 59.00, यानी ये तो बीए ऑनर्स इंग्लिश से भी ज़्यादा कट ऑफ गया है। बीएससी में कहाँ 25 कट ऑफ गया था, बीए ऑनर्स हिस्ट्री में 60 के आसपास है, यानी 59 डबल से भी ज़्यादा कट ऑफ गया है। जनरल में 59.00 यानी 59.00, मुस्लिम कैटेगरी में 57.50, मुस्लिम ओबीसी में जो कट ऑफ है 57.25 में यानी 2.5, मुस्लिम वीमेन का जो कट ऑफ गया है 54.75, जामिया इंटरनल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 50.00, पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस और लो विजन का जो कट ऑफ गया है 35.00। अब देखते हैं कि कौन ऐसे लकी कैंडिडेट्स हैं जो अपने जगह बनाई है इस लिस्ट में। बीए ऑनर्स हिस्ट्री में जनरल के 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और मुस्लिम कैटेगरी के 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है बीए ऑनर्स हिस्ट्री में। और बीए ऑनर्स हिस्ट्री में मुस्लिम ओबीसी एसटी का 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री में मुस्लिम वेमेन का 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री में जामिया इंटरनल कैटेगरी के 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और बीए ऑनर्स हिस्ट्री में जो पीडब्ल्यूडी ब्लाइंड लो विजन के कैटेगरी है 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों ये जो लिस्ट थी वो बीए ऑनर्स हिस्ट्री की बेस्ड ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की। मैं लास्ट यानी चौथा जो कोर्स है जो अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है, मैं उसका रिजल्ट मैं आप तक पहुंचाता हूं। बस इस वीडियो में आप बने रहें। जो ये कोर्स है वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी कोर्स का नाम है, और इसका सिलेक्शन का मोड भी है बेस्ड ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। और इस कोर्स का जो एडमिशन का डेट है वो 28 अगस्त और 29 अगस्त। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का जो एडमिशन का डेट है वो 28 अगस्त और 29 अगस्त को सिर्फ दोपहर 1 बजे तक एडमिशन होगा, और इनको जाना होगा सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेज के पास, द डायरेक्टर साहब के ऑफिस के पास। कहीं डायरेक्टर साहब के ऑफिस में जाना है, कहीं हेड साहब के ऑफिस में जाना है, कहीं डीन साहब के ऑफिस में जाना है। सेंटर के ज़्यादातर डायरेक्टर होते हैं, फैकल्टी के ज़्यादातर डीन होते हैं। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 1 से लेकर 14 तक आप 1-to-1 पढ़ के जाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर डाउट है तो सीरियल नंबर लिख के कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करके आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। कमेंट का रिप्लाई करने में थोड़ा देर करता हूँ, बट अंधेर नहीं है, आपको कमेंट का रिप्लाई एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है, 1-2 दिन 3 दिन के बाद ज़रूर मिल जाता है, एडमिशन से पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट भी बीपीटी के आएगी 31 अगस्त के आसपास। ओके, अब देखते हैं इसका कट ऑफ कितना गया है। बीपीटी का जो कट ऑफ गया है 31.00 जनरल कैटेगरी का गया है, और 28.50 मुस्लिम कैटेगरी का, 16.50 जेके, यानी 30 के आसपास
कट ऑफ गया है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज में, ये बहुत ही कम कट ऑफ है। दोस्तों आपने देखा हाल फिलहाल में कि 60 के आसपास कट ऑफ गया था बीए हिस्ट्री का, यानी हिस्ट्री जो है बहुत ही दमदार कोर्स है जामिया का। वैसे सारे ही कोर्स जामिया का दमदार है, सिर्फ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। टर्किश लैंग्वेज में भी जामिया में प्लेसमेंट होता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म में प्लेसमेंट होता है, इवन जो जनरल बीए है उसमें भी जामिया में प्लेसमेंट होता है, इवन गूगल जैसे कंपनी भी आके जामिया में हायर करती है। तो जामिया में स्टूडेंट के ऊपर है कि दिल्ली के माहौल में अडेप्ट करके कैसे अपने लैंग्वेज पे कमांड बनाता है, इंग्लिश कितना अच्छे से सीखता है। अदर लैंग्वेज भी सीखे तो वेल एंड गुड, बट इंग्लिश बहुत ज़रूरी है और कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है, आपका नौकरी आराम से लगेगा। अब देखते हैं कौन से कैंडिडेट्स लकी हैं जो बीपीटी में जगह बनाए हैं। जनरल कैटेगरी के 6 कैंडिडेट्स हैं बीपीटी में सिलेक्शन हुआ है, और मुस्लिम कैटेगरी के 4 कैंडिडेट्स हैं जिनका बीपीटी में सिलेक्शन हुआ है, और जे एंड के कैटेगरी के 1 कैंडिडेट हैं जिनका बीपीटी में सिलेक्शन हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे ही गुड वीडियो देखने के लिए, ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए, एजुकेशन एडमिशन जॉब नौकरी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक बटन को प्रेस करके हमें मोटिवेट कीजिए कि ऐसी ही पूरी दुनिया में देश में अच्छाइयां अच्छाई वाले न्यूज़ बांटते रहें, फेक फर्जी न्यूज़ हिंदू मुस्लिम वाले न्यूज़ कम बांटें, ज़्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड और प्रमोशन से रिलेटेड आप वीडियोस बनाएं। दोस्तों आपके हेल्प के लिए चैनल खुला है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप में सब में इस वीडियो को शेयर करें, अच्छाई इतने फैलाएँ कि बुराई ऑटोमेटिक दब जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेगा चलते चलते, जैसे ही और भी कोर्सेज का रिजल्ट आते हैं मैं तुरंत वीडियो बना के आप तक पहुंचाता हूं। हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।